हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में देखेंगे SCF एग्जाम के लिए जो अभी टेस्ट सीरीज प्रारंभ किया गया है, जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के प्रश्न पत्र का उत्तर कुंजी देखने वाले हैं। इसमें हम ओल्ड पेपर देखेंगे जो मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग द्वारा लिए गए थे और उसके अंतिम जो है उत्तर कुंजी भी जारी कर दिया गया था, जिसके अनुसार से किस प्रकार से SCF में एग्जाम में पूछा गया था MPPC के द्वारा। उसी प्रकार से स्टेट फॉरेस्ट सर्विस छत्तीसगढ़ के क्वेश्चनों को हम देखेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइनल एनसी के उनके द्वारा जारी किया गया था, तो आज हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से SCF के लिए महत्वपूर्ण है और कौन कौन से टॉपिक्स हमें ज़्यादा पढ़ने चाहिए और हमें तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र यहाँ पर दिया है CaOCl2। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है PBC बहुलक का एकलक होता है। इस प्रकार से बहुलक से क्वेश्चन पूछा गया है, इसका राइट आंसर होगा यानी कि विनाइल क्लोराइड का। विनाइल क्लोराइड जो होता है PVC बहुलक का एकलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण कांच के रासायनिक संगठन को निम्न अनुसार लिखा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा Na2SiO3, CaSiO3 और 4SiO2 के रूप में इसे लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन एकलक के बहुलीकरण द्वारा बनता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा CF2 और CF2 के द्वारा टेफ्लॉन का निर्माण बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति उभयधर्मी होती है, तो आप जानते होंगे कि H2O जल एक क्या सार्वत्रिक विलायक है और इसके साथ ही यह उभयधर्मी प्रकृति का होता है और यह द्विधारिक पोल का निर्माण भी करता है, जिस कारण यह सभी चीज़ों को अपने में घोल पाता है। नेक्स्ट है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से है Ar3d6 और 4s2 है, तो यह किस ब्लॉक तत्व के अंतर्गत आएगा, तो डी ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से कभी कभी तत्व से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और अयस्क से संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। वह अयस्क जिसका सांद्रण फेन प्लावन विधि द्वारा होता है, उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सल्फाइड अयस्क होता है, जो कि उसका फेन प्लावन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट है उदासीनीकरण अभिक्रिया KOH HCl जो होता है वह KCl+H2O निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया को होता है, तो हमारा जो सिलेबस में दिया गया है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया और साम्य, रासायनिक साम्य के क्या क्या महत्वपूर्ण नियम है, वहीं से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो निश्चित रूप से इसको भी आपको कवर करना होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों में से किसी एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सोडियम में भी ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण की क्रिया में मतलब यह होता है कि खुले हवा में छोड़ दिया जाता है, तो उसमें क्या होती हैं क्रियाएं करने लगती हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सोडियम भी ऐसा तत्व है जिसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि अगर उसे बाहर रखा गया तो वह ऑक्सीजन से क्रिया कर सकता है और ऑक्सीजन की खुली हवा से वह क्रिया करके जो है अपने दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को दोहराने के लिए था, इसमें दोनों चीज़ दिया गया है, इसलिए इसमें क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुईस की अम्ल क्षार के अवधारणा के अनुसार, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अम्ल और क्षार की अवधारणा जो है तीन वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया है, पहला जो है अहर्नियस का, लुईस का और ब्रास्टेड लोरी का। इस प्रकार से तीन अवधारणाओं को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल को भी आप पढ़ेंगे किस प्रकार से कई बार पूछा गया है। तो लुईस की अम्ल अवधारणा की जो थी उसके अनुसार लुईस जो अम्ल होता है वह इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। नेक्स्ट है एक गैल्वेनीकरण एक विधि है जिसमें लोहे का जंग से क्षरण रोकने के लिए उस पर धातु की पतली परत का लेपन किया जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिंक का उपयोग किया जाता है। 10^-4 MnOH बिलियन का pH मान क्या होगा, तो pH मान से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। सोरेनसन ने pH मान दिया था और pH मान की जो वैल्यू होती है 1 से 14 तक होती है। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि 117 तक का जो pH मान होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है, 7 एक उदासीन प्रकृति का होता है जो जल को दर्शाता है, और इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें 7 से 14 तक तो वह क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तीन सभी कॉन्सेप्ट को आप भलीभांति समझेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिक में नाभिक न्यूट्रॉन में होते हैं, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की स्थिति को आपको देखना होगा, किस में कौन सा न्यूट्रॉन और कौन सी प्रोटॉन होती हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो आपको जानते होंगे कि H1 जो होता है इसमें हाइड्रोजन का जो होता है इसमें क्या है न्यूट्रॉन के समस्थानिक नहीं होते हैं। तेल और वसा क्षारीय जल अवटन होता है, तो साबुनीकरण प्रक्रिया के द्वारा साबुनीकरण वसा की इसमें पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन ठीक है। ज़्यादा प्रबल अम्ल है, तो इस प्रकार से प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे COOH जो होता है इसमें प्रबल अम्ल होता है, जबकि CH3COOH और CH3CH2CH2COOH जो होता है वह दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आर्थो और पैरा हाइड्रोजन होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, विभिन्न जो होता है
भौतिक गुणधर्म परंतु रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत होते हैं। नेक्स्ट है, जबकि CH3MgBr ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं तो बने उत्पाद को जल अपघटित करते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है? इसका राइट आंसर होगा CH3CH2 और OH होता है। नेक्स्ट इसमें है कि Na2CO3 के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रभावित करने पर निम्नलिखित में कौन सा बनता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा NaHCO3। तो इस प्रकार के आपको समीकरणों को जो है पढ़ना होगा कि कौन सी क्रियाएं करने से किसमें बनती है। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन इस बार पूछे जाने की संभावना है केमिस्ट्री से, और इसी प्रकार से फिजिक्स से और बायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायोलॉजी में क्वेश्चन जो है साधारण क्वेश्चन ही रहेंगे, और रसायन में क्रियाविधि से क्वेश्चन रहेंगे, और फिजिक्स में थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ ही थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको फिजिक्स को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना होगा। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से मिश्र धातु से टीन एक घटक होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कांसा एक जो होता है टीन एस्क के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, तीन तत्व इस प्रकार से दिया गया है कि एक्स वाई जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में निम्नानुसार है, तो एक्स बराबर 28, वाई बराबर 287, जेड बराबर 2288 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वाई एक अधातु है और जेड एक धातु है। किसका ऊष्मीयमान सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बायोगैस। ठीक है, बायोगैस का ऊष्मीयमान इसमें क्या है? सबसे ज़्यादा है। कौन सा गुण आदर्श ईंधन का नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उसमीय मान जो होता है एक आदर्श ईंधन का जो है मान नहीं होता है। कोयले में निम्न प्रकार में कार्बन की प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन के प्रतिशत क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ऊर्जा का कौन सा स्रोत गैर नवीनीकरण है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक गैस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार के अभिक्रिया और समीकरण आपको दिए रहते हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1H11 जो होता है इसमें तृप्त होता है। एक परमाणु रिएक्टर 10^9 ओमेगा शक्ति प्रदान करता है, तो रिएक्टर एक घंटे में कितना ईंधन खर्च करेगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 0.014 ग्राम होता है। एक रेडियो सक्रिय पदार्थ की हाफ लाइन 8 वर्ष है, कितने समय में उस पदार्थ की सक्रियता प्रारंभिक मूल्य के 1/8 हो जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 24 वर्ष होगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि एक वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा एक पर्दे पर बना है, अगर लेंस के नीचे का आधा भाग पेंट द्वारा कला कर दिया जाए तो प्रतिबिंब की तीव्रता हो जाएगी? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथाई होता है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। फिर मोटाई टी की स्लैब पर गिरी प्रकाश की किरणों का अधिकतम पार्श्विक स्तंभ क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन टी होता है। नेक्स्ट है कि एक वस्तु को 45 डिग्री के झुके दो दर्पणों के बीच रखी जाती है, तो इसका वस्तु के कितने प्रतिबंध होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7 प्रतिबिंब बनेगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कांच से पानी में जो है इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन को बता रहा है। ठीक है, प्रतिरोध आर के तार को इस तरह से खींचा जाए कि व्यास का प्रारंभिक मूल्य में आधा हो गया है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 16R होगा। पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार के पदार्थ पर। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप देखेंगे, 33 क्वेश्चन इसमें हमने किया है, नेक्स्ट हम 33 और करेंगे, और इसी प्रकार से टेस्ट श्रृंखला चलते रहेगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK Knowledge भी आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपकी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं और भी जानकारी प्राप्त होती है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।